गाइस, दोस्तों आज की वीडियो हम लोग ब्लॉगिंग करने वाले हैं एक्सरसाइज के ऊपर और आपको दिखाने वाले हैं सेक्टर 62 में जो मॉन्स्टर पार्क है उसका मैं ब्लॉग अपलोड कर चुका हूं। वहां पे दोस्तों कुछ इक्विपमेंट्स लग चुके हैं जिम से रिलेटेड जो काफ़ी हैवी नहीं है बट फिर भी नॉर्मल है कि एक आम आदमी वहाँ पर जाके एक्सरसाइज कर सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और आपको दिखाएंगे कुछ कूल इक्विपमेंट्स जो सेक्टर 62 के पार्क में लग चुके हैं। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस सबसे पहले हम लोग फुटबॉल यहाँ पे खेल चुके हैं एंड देन उसके बाद हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट पार्क में जिसका नाम है मॉन्स्टर पार्क और दोस्तों वहाँ पे कुछ एक्सरसाइज करेंगे एंड देन उसके बाद जाएंगे जो इक्विपमेंट वगैरह लगे हुए हैं जिम के लिए क्योंकि दोस्तों अभी जस्ट फिलहाल नए लगे हुए हैं तो एक्सप्लोर करना बनता है। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं मॉन्स्टर पार्क में और दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज करने वाले हैं एंड देन उसके बाद जाने वाले हम लोग इक्विपमेंट जहाँ पे रखे हुए हैं। सो लेट्स डू सम एक्सरसाइज। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग डेली आते रहते हैं एक्सरसाइज करने के लिए सो इट्स आवर डेली रूटीन एंड दैट्स वी आर शेयरिंग विथ यू। Guys, this is my favorite exercise. I love to do it and it's really very essential for all of us. Pura body aa gaya mera. Thank you.
अभी हमेशा के लिए। यहाँ पे देखो हल्की सी बारिश की वजह से यहाँ पे कुछ ज़्यादा बूंदे हैं बारिश की, नहीं जिसपे बैठना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। योगा मैट आज के दिन ज़रूरत पड़ जाती। कितनी सारी लगी हुई यहाँ पे। सो गाइस अभी हम लोग एक्सरसाइज कर चुके हैं। और दोस्तों ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जिम जाना चाहिए, एक्सरसाइज जाना चाहिए या वगैरह वगैरह क्या करना चाहिए। एक्चुअली दोस्तों अगर आप जिम जा सकते हो, डेली जा सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बट अगर आप सोचते हो कि आप डेली नहीं जा सकते हो, कभी कभी गैप हो सकता है, तो आपको एक्सरसाइज करने के लिए पार्क, जो भी नियरेस्ट आपके यहाँ का पार्क हो वहाँ पे जाना चाहिए, या छत पे भी आप जाके कर सकते हो। बट ये बहुत ज़रूरी है कि आपके शरीर के लिए और आपके मेंटल यानी कि आपके माइंड के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि आप एक्सरसाइज करें। फिजिकली भी करना ज़रूरी होता है। और दोस्तों ये जो आप आयाम व्यायाम प्राणायाम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। दोस्तों ये हम लोगों का डेली रूटीन है, हम लोग यहाँ पे डेली आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। और मैं ही नहीं, ज़्यादातर लोग यहाँ पे आप मॉर्निंग में आएंगे, शाम को आएंगे तो यहाँ पे लोगों की भीड़ मिल जाएगी, लोग एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं। बट अभी किसी लीडर ने यहाँ पे बना दिया है जहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स लग गए हैं, जहाँ से लोग दोस्तों यहाँ पे पहले टहलने के लिए आते थे, लोग बैठ के एक्सरसाइज कर लेते थे, बट वहाँ पे जाके लोग फिजिकल एक्सरसाइज कर पाएंगे। सो दैट्स अ गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज़ हुई है यहाँ पे। सो गाइस देख सकते हैं ये सारे इक्विपमेंट थे जो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सरसाइज करा। और ऐसे दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा बना दिया गया है कि जहाँ पे कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज आके कर सकता है। और इतना इनफ है कि दोस्तों इतना इनफ होगा आपकी बॉडी के लिए। और बाकी पहले दोस्तों इस पार्क में हम लोग पूरी तरह से टहलते रहते थे। एंड इस पार्क में के बारे में दोस्तों मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, इट इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट पार्क फॉर ऑल द गाय। और ये दोस्तों दो रोडों को जोड़ता है स्पेशली, तो जितने भी जॉब करने वाले लोग हैं मैक्सिमम एक को क्रॉस करते हैं, यानी कि एक रोड को क्रॉस करके दूसरे रोड पे जाते हैं। और यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, यहाँ पे कम्युनिटी के लोग भी काफ़ी आते रहते हैं यहाँ पे मीटिंग करने के लिए। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं, अभी हमारा टाइम हो चुका है, क्योंकि अगर हम लेट होंगे तो हमारे ऑफिस का शेड्यूल ख़राब हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड होप कि आपने इन्जॉय किया होगा वीडियो को। और दोस्तों अगर आपने इन्जॉय किया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।